नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे विश्वसनीय वेब चैनल लाइव मध्य प्रदेश और आपके साथ मैं हूं शाहनवाज सुल्तान। चलिए खबरों के खुलासे की तरफ बढ़ते हैं। बुरहानपुर सेवा समिति द्वारा पुरानी कोर्ट के पास स्थित शौकत गार्डन के नवीनीकरण और गार्डन की मांग को लेकर निगम आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया। बुरहानपुर सेवा समिति के संयोजक मोहम्मद हनिप ने बताया कि शौकत गार्डन के नवीनीकरण और गार्डन की मांग को लेकर निगम आयुक्त पवन सिंह को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में बुरहानपुर सेवा समिति के सदस्य मौजूद थे। शौकत गार्डन जो कि आपके नॉलेज में भी है, पिछले एक साल से हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। शौकत गार्डन का जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। कमिश्नर साहब ने अभी एक महीने का हमको आश्वासन दिया है, क्योंकि शहर की पूरी सीवरेज लाइन की मिट्टी उसमें डाली जा रही है। उससे हमको लगा कि पिछली बार जैसा अमृत योजना का जो जल योजना का उसमें टंकी खोदी गई थी, तो वैसे ही कुछ नया प्लान तो नहीं है। तो इसलिए हमने एक आंदोलन शुरू किया है बुरहानपुर सेवा समिति ने, जो पिछले एक वर्ष से कर रही है। अब हमको ये वहाँ पर एक गार्डन बहुत अच्छे तरीके से बनाना है। यदि नगर निगम एक महीने के अंदर गार्डन नहीं बनाती है, तो हम आसपास के पूरे 10-15 मोहल्ले वहाँ से चंदा करेंगे, शहर से चंदा करेंगे और गार्डन के एक हम निर्माण करेंगे। नहीं, मैंने अपने आंदोलन में बुरहानपुर सेवा समिति के द्वारा एक ज्ञापन इनको दिया है, उसमें जन आंदोलन की मैंने उसमें कार्रवाई करने के लिए उनको कहा है। तो हम इस स्तर पर जाएंगे कि फिर शहर में किसी भी गार्डन को हम है ना तो सही सलामत नहीं रहने देंगे, क्योंकि अगर हमारे लिए गार्डन नहीं तो फिर कहीं भी गार्डन नहीं।